सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत पार्टी हाईकमान के अनुरूप कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अच्छा काम करके लोगों की मदद करें और किए गए अच्छे कार्यों का सबको बताएं, ताकि देश और केंद्रीय नेतृत्व के विरुद्ध जो एक षड्यंत्र के तहत दुष्प्रचार किया जा रहा है उसकी पोल भी जनता के सामने खुल सके। सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी के संकट में मानव जाति की सेवा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सेवा ही संगठन अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर अन्य लोग दुष्प्रचार को लक्ष्य बनाकर केंद्रीय नेतृत्व देश को बदनाम करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने समय निकाला और ऐसे समय में जब कोरोना के कारण सभी गतिविधियां लगभग ठप पड़ी थी, उस समय में जो आह्वान हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सेवा ही संगठन है, तो पहले दौर में जोरदार काम सारे प्रदेश में हुआ। इनके नेतृत्व में सबने मिलकर कोरोना की बीमारी का सामना किया और काफी हद तक हम इसमें सफल भी हो गए उसको कंट्रोल करने में। लेकिन दूसरी लहर आई तो फिर केंद्र की तरफ से आह्वान आया सेवा ही संगठन है दूसरा। इसमें जिस प्रकार से रिपोर्टिंग आज हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में अब पार्टी नेतृत्व ने फिर से सेवा ही संगठन अभियान 2 का आगाज किया है। इस अभियान में जिस प्रकार से समीक्षा बैठकों में निकलकर सामने आ रहा है, बहुत बढ़िया काम धरातल पर संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्य रूप से भाजयुमो की टीम अच्छा काम कर रही है, रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। महिला मोर्चा की टीम भी अच्छा काम कर रही है। मोर्चे के पदाधिकारी बनने सदस्य व्यक्तिगत प्रयासों से मास्क बना रहे हैं और खुद ही इनको जरूरतमंदों तक भी पहुंचा रहे हैं।